हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शगुन यानी कि अनीता हसनंदानी का ये मेकअप लुक, और ये उन्होंने नच बलिए में किया है। वैसे कौन कौन नच बलिए के लिए एक्साइटेड है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ नच बलिए शो के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला शो और मेरा फेवरेट भी है। तो चलिए, आज मैंने उनका ये मेकअप लुक किया है और ये बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से किया है मैंने। इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, बहुत ही ईजी है इसे करना। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मेकअप प्राइमर। इसे अच्छे से अपने फेस पर लगा लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, और मेरा ये फेवरेट फाउंडेशन है। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और ये फिंगर की हेल्प से भी इजीली ब्लेंड हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला फाउंडेशन। इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और एक ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसकी खुशबू काफ़ी रिफ्रेशिंग है। इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का कंसीलर, और इसे मैं फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसे भी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी अच्छे से एक स्पूली की हेल्प से। अब मैं लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा, और इस मस्कारे की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को सेट करूँगी, अच्छे से फिल कर लूँगी। वैसे अगर आपके पास ब्रो पेंसिल्स वगैरह अगर नहीं हो तो आप मस्कारा की हेल्प से भी अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अब मैं एक बार और अपनी आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का आई लाइनर। पहले शेप दूँगी अपनी क्रीज लाइन को। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हैं तो काफ़ी ईजिली लग जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे रफली भी लगा सकते हैं, बस आप अपनी क्रीज लाइन पर इसे ध्यान से लगाइएगा, शेप देते हुए लगाना है आपने। और बीच में आप रफली भी इसे फिल कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का आई शेडो लेकर अपनी आईलिड पर लगा लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिए। और आपने अंदर की तरफ ब्लेंड करना है, ये ध्यान रहे, बाहर नहीं निकालना है अपने आई शेडो को, अदरवाइज ये खराब दिखेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ग्रीन कलर का आई शेडो। और गाइज, मैंने सबसे पहले अपने ब्रश पर मेकअप फिक्सर को स्प्रे किया था, तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। शिमर आई शेडो तो आप अच्छे से लगा ही सकते हैं मेकअप फिक्सर को स्प्रे करके ब्रश पर, और इस तरह से आप पाउडर फॉर्म में जो आई शेडो आते हैं उसे भी लगा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो मैं अपनी आई लैशेज को यहाँ पर कर्ल कर रही हूँ आई लैशेज कर्लर की हेल्प से। और अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा के मैंने यहाँ पर एक से दो कोट लगाए हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ब्लू हेवन के आई लाइनर को ही काजल की तरह लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक ये स्पॉन्ज एप्लीकेटर है छोटा सा जो क्यूट सा, इसकी हेल्प से मैं इसे हल्का सा स्मच कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर ले लूँगी जो मैंने अपनी आईलिड पर लगाया था, इसे भी मैं काजल के ऊपर ही हल्के हाथों से लगाते हुए थोड़ा सा इसे स्मच कर लूँगी काजल के साथ ही। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का आई लाइनर, और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये कॉन्टोर स्टिक है, और इसे अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश, और अब मैं लगा लूंगी हाइलाइटर। और अब मैं लगाऊंगी लिप लाइनर। अच्छे से मैं अपने लिप्स को फिल कर लूंगी इस लिप लाइनर की हेल्प से ताकि मेरी लिपस्टिक का जो शेड है बहुत ही अच्छा दिखे। और यहाँ पर मैंने ये पिंक कलर की लिपस्टिक ली है, मैंने नॉर्मल मार्केट से परचेज की थी, काफ़ी अच्छा पिंक कलर है ये। और मैं अब लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर बैक का।
तो ये मैंने सेटिंग स्प्रे लगा लिया है अच्छे से, और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो। और ये देखिए मैंने नकली का एक छोटा सा तिल भी बना लिया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गाइस ये बिल्कुल फ्री है, और गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।